So, आज हम ले रहे हैं गाड़ी डिलीवरी। चलो आप लोग घूम जाओ, उल्टे उल्टे घूम जाओ, गाड़ी बाहर आ रही है, एक साथ घूमना। 1, 2 and 3। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग का सब सभी लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूं, स्वस्थ हूं, जय श्री राम। So, आज हम ले रहे हैं गाड़ी की डिलीवरी। इतनी खुशी मुझे, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। मम्मी नई गाड़ी आ रही है, तेरे को पता है कौन सी है? किसी को नहीं पता। KF वाले भी दो थ्रू दे ये वगैरह किसी को नहीं पता। मैं, लालू और भाई, हम तीनों को ही पता है बस। तो आज नई गाड़ी आ रही है, लेकिन फिर को दिखाने, रात को दिखाने लाऊंगा, क्योंकि उसके बाद हम भरूच जा रहे हैं एक शूट के लिए। भरूच से आएंगे, उसके बाद तेरे को दिखाएंगे, ठीक है? चल, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। और हम सब ने डिसाइड किया कि व्हाइट पहनेंगे, गाड़ी का मुहूर्त करना है अभी, तो व्हाइट कपड़े पहनेंगे। लेकिन मेरे पास कुछ व्हाइट ही नहीं है, ये पुराना पुराना शर्ट निकाल के रखा है, अभी देखते हैं काम लग जाएगा तो वहाँ जाके पहन लूंगा। बाकी ये तो मेरा सूट के अंदर शर्ट है, तो ये तो पहन ही लेता हूँ। चलो, गाड़ी है, बताए तेरे को? बहुत नीची मॉडल मत बोल, कुछ बड़ा सोच लाइफ में, और कुछ सोच इसके आस पास। चल, व्हाइट कलर इतना मैं बता सकता हूँ। तो गाइस, कार लेके आ रहे हैं, लेकिन हमको मंदिर जाने का गाइडेंस दिया गया है कि मंदिर में महाराज चले ना जाए, तो चले ही जाएंगे ना भाई, वो कैसे रोक पाएंगे? कि 12 बजने को आ गए, बात थी 10 बजे की, अभी तक आप पहुँचे नहीं है, प्रोसेसिंग सब करने की थी इसलिए। लेकिन कोई नहीं, जाते तो है मंदिर में, जाके महाराज को बोलते हैं। दादा का पेन क्या है? अलग ड्रेसिंग होता है, आप लोग की समझ में नहीं आएगा। बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो। शाहिद कपूर तू लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है। शाहिद कपूर ने उर्विल चश्मे कितने पाकिट मारे सुबह से बोल, कितने पाकिट? ये पूरा टेस्ट अलग है। इसने कितने पाकिट मारे सुबह से बोल? कम से कम 10 मार गया है। कैसा लग रहा है तू बोल, सच बोलना, डरना मत उससे। किसका शर्ट है, किसका? सच बोल, तेरा नहीं है सर, किसका है? सच बोल, अतुल भाई। हाँ, उसके पापा का ही पहन था, उसकी भाई देख कहा जा रही है, उसकी भाई ये पूरा पूरा डांसर होता है भाई, वो ऐसा ही पहनते हैं। अच्छा, चोरी करने ही है प्रॉपर। भाई चाय पी रहा है तू? कैसा लग रहा है? इधर घूम। बांद्रा स्टेशन का चोर। कैसा लगा चोरी करने बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, बाद में पछता हुआ सर। रिव्यू भाई, रिव्यू लेना सीखना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना। मैं एक चश्मे के बिना एक बार के लिए, हाँ मैं चश्मे का बोला मैंने उसको, अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन चश्मा पहन के उसने बांद्रा का चोल लगाया। बांद्रा वाला है ये तेरे लिए। एक मिनट, मेन करेक्शन कर रहे तो बोलो, बांद्रा बांद्रा मत बोल, कुरला। हाँ, नहीं तो बांद्रा वाला आएंगे तेरे को ढूंढते हुए। लोगों का काम इनको नहीं समझ पड़ेगा भाई, तो कहेंगे भाई नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, तो नहीं समझ, ये आपके माइंड में ही नहीं आएगा भाई। देखा, मतलब कोई भी इसको फीडबैक नहीं दे सकता कि क्या है क्या नहीं भाई, तेरे को अच्छा लगा भाई, तेरे को अच्छा लगा, खत्म खत्म बोल दे, मेरी क्या वो तो होगा, पापा का ही होगा। तेरे को ऐसे पूछना था, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या मैं इसमें करेक्शन कर सकता हूँ, ऐसा सब पूछना चाहिए तेरे को। एक मिनट, अरे एक मिनट, तेरा भाई जो पहन रहा था ना, वो तो जिंदगी में नहीं पहन सकता, ठीक है, वो सब छोड़ दिया, वो कश्मीर का चोर। हम सब तो ग्रुप वाले हैं, इसलिए व्हाइट पहन के आए, वो समझ सकते, तू क्यों व्हाइट था भाई। हाँ भाई, वो तो मस्ती चला जाए, तेरे को पता था। अभी तेरी कोई जरूरत नहीं आयुष, हमारे पास गाड़ी है, पर कौन सी है वही नहीं पता है। नहीं हाँ, लेकिन कभी गाड़ी के लिए ना नहीं किया। हमको बाहर निकाल दिया क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है मेरा। आयुष तो पतला ही है भाई, मेरा मैं तो बहुत पतला हूँ भाई। क्या बोल रहा है तू, यहाँ से कूद जा ऐसा, क्या तो पहुंच जाएंगे भाई, तू तब अभी मत कूद के, अभी मस्त वेस्ट कर ये सब चीजें। जब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा चाहिए होगा भाई, बहुत नीचे तक खोदना होगा और उनके पास ऐसी मशीनरी नहीं होगी, तब तू कूद जाना भाई, नीचे तक ऐसे सटक लेके कूद जाएगा। अभी तुमने मेरी तारीफ की, पतला हूं मैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। क्या लगता है कौन सी गाड़ी होगी हमारी? रेंज रोवर वेगन व्हाइट कलर में,
हम लोग व्हाइट पहन के जा रहे हैं। सस्ती क्यों सोच रहा है? ध्रुव की तरफ से सबको हैम्पर भी, वो बहुत जीत कर रहा है, तो सबको एक एक हैम्पर भी मिलेगा। करूंगा मैं सब, प्लान करूंगा, लेकिन कार कौन सी है वो तेरे को पता है भाई? नहीं वो नहीं पता। तो क्यों इतना खुश है तू? कार लिया है वो पता है, लेकिन कौन सा लिया वो नहीं पता, देखूंगा तो पता चलेगा। व्हाइट कलर है और सेवन सीटर है। व्हाइट कलर सेवन सीटर वापिस अर्टिगा, फॉर्च्यूनर अर्टिगा वापिस अर्टिगा। वो क्या बताऊं भाई, अर्टिगा भी हो सकती है। सेवन सीटर में तो कौन सी आती है? कोई नहीं आती, अर्टिगा ही आती है। सेवन सीटर में अर्टिगा आती है, फॉर्च्यूनर तो ले नहीं सकते अपन अभी। ले क्यों नहीं सकते भाई? अभी बोला अभी लेनी नहीं है, ऐसे बोल, हमको लेनी पसंद नहीं है, ऐसे बोल। तो बोला हमको अभी ले नहीं सकते ना, मतलब पसंद नहीं है फॉर्च्यूनर। पसंद नहीं? हाँ अच्छा, फॉर्च्यूनर नहीं है मेरा दिल तो दिया। महिंद्रा 700 मेरे को तो टाटा लग रही है भाई। MG भी नहीं होता। सुजुकी की तो अर्टिगा ही आती है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। तो क्या पता वही हो, अर्टिगा ही होगी। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी है, नई गाड़ी है, आ जाएगी। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी है, अपने को चलाना तो है नहीं। एक्सेल 7 एक्सेल 6 हो सकती है। ये गाड़ी लेनी है अपने को, ये अर्टिगा तो नहीं हो सकती, उससे ऊपर का मॉडल एक्सेल 6 हो सकता है। हाँ वो ध्यान देते। आज ये इंतजार की घड़ी बस खत्म हो रही है, लास्ट बात गैर कर लो भाई। व्हाइट कपड़े पहनने को बोला है तो व्हाइट कार है, आपको पता है कौन सी कार ली है? वो स्विफ्ट दिख रही है, व्हाइट थोड़ी है वो, व्हाइट उसके बाजू में देखो। खेलोगे तो मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन है कि भाई अर्टिगा ही होगी। एक अर्टिगा भी हो सकता है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है टाटा की पंच होगी, तेरे को एक पंच मारूंगा मुंह पे। वो 5 सीटर है, मैं 7 सीटर बोल। सफारी 7 सीटर वो MG की है ना, MG एक्टर MG एक्टर B50 है, नेक्सा। वो बहुत ज्यादा बजट है, अभी लेनी पसंद नहीं अपने को वो गाड़ी। चलो भाई 5 मिनट में गाड़ी बाहर आएगी, आप लोग थोड़ी उल्टा घूम जाओ इसलिए मजा आएगा, देखते हैं। ओके, जो गाड़ी है ना वो तो ये लोग ने नाम अभी तक बोला ही नहीं है, चलो ये भी बोल देता हूँ अभी तक। BMW X7 किसने नहीं बोला? किसी ने भी भाई 7 सीटर पता ही नहीं है, हम देखने गए 5 सीटर में नहीं पता है, जो अभी जो हम देख रहे हैं। एक्चुअली ये लोग व्लॉग्स नहीं देखते ना। मैं चलो आप लोग घूम जाओ, उल्टे घूम जाओ, गाड़ी बाहर आ रही है। अभी जॉब नहीं कर रहे, पहले जॉब करते रहे ना, इसके लिए एक पार्ट है अभी जॉब, बिजनेस कर रहे हैं ना। चलो घूम जाओ, 1 एक साथ घूमना, 1 2 3 किया कार ने साजा। सेवन सीटर ये है अपनी कार ने। क्या क्लास वाली फीलिंग आई जम्बो लग रही है, एडी का थोड़ी पतली लग रही है। तुमने डलवाई इनबिल्ड मॉडल टॉप वाला है ना, सो ये थी भाई गाड़ी। एक बार पीछे आ जाओ ना भाई, 1 2 3 कमी ना फ्रेंड्स, ये नंबर प्लेट रहेगा अपना। वाओ भाई पूरा RTO से करवाया, ये नंबर प्लेट अपना रहेगा। नहीं है भाई ऐसा नहीं है, अंदर आ जाओ, बैठो अंदर बैठो गाइस, अपनी है बैठो, अपनी है भाई बैठो। क्लास फीलिंग है भाई। चलो साबुडारा 7 सीटर टॉप मॉडल, सबसे मेन चीज। हट उधर हट, अपन पीछे से निकल देते ना, हट पूरा ऐसे हाँ। मतलब पीछे वाले को प्रीमियम फील आएगी, गाड़ी के भाई समाज के बाहर कर दिया है। सही है भाई, बहुत सेक्सी, मतलब एक चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को, पीछे एसी है और पीछे चार्जिंग दोनों तरफ है, दोनों तरफ चार्जिंग। सो गाइस दिस कार अच्छी लगी ना तुम लोग को? हम लोग कंफ्यूज थे कि तुम लोग को अच्छी लगी कि नहीं। मेरे को एक बार के लिए ऐसा था यार, कौन सी कार ये लोग वापस अर्टिगा की बात हो रही थी हमारी, तो मुझे अर्टिगा आती ना तो मूड ऑफ हो जाता, पर ये यार क्लास वाली वाइब वाली है भाई पूरी गाड़ी भी है। पर ये जो लंबी है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एयरबैग भी दिख रहा है, एयरबैग है। हाँ तो 6 एयरबैग टोटल, 6 है ना? नहीं, 4 एयरबैग है, मतलब ठोको ठोकना नहीं भाई। उर्विल बहुत संभाल, उर्विल ने कभी भी गाड़ी पे स्केच नहीं लाया भाई, उर्विल ने गाड़ी पे कभी भी स्क्रेच नहीं लाया है, उर्विल ने चलाई ही नहीं है ना तो उतनी। ओ भाई चलाई है मैंने, लास्ट में तो बहुत चलाई।
हाँ वो तो शिवाजी महाराज स्थापित कर दिए भाई। हाँ चलो पूजा 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 जाएगी। अहमदाबाद जाना ही पड़ा। हाँ उसकी मम्मी को लेके जाना था इसलिए। लेकिन कोई नहीं, उसका एडिट करके फोटो डालेंगे। हाँ मैं इसको बोला कि व्हाट्सएप में एक फोटो फुल भेज देना मेरा। काजू कतरी, इसका काजू कतरी पे फोकस है। हाँ मेन ओनर बैठ गए, ये वही भरने वाले आदमी बैठ गए। इधर हाइट प्रॉब्लम, हाइट प्रॉब्लम, हाँ हाइट प्रॉब्लम नहीं पूछिए ना, ये गाड़ी थोड़ी। तेरा तो चल ही रहा है भाई, कांग्रेचुलेशन। भाई नई गाड़ी छेला नहीं जा रहे ले। आजी फर्स्ट ड्राइव। हाँ हाँ ओ भाई कितना जबरदस्त लगा है। रेंज रोवर। चलो भाई नई गाड़ी आते ही गर्दी चालू। पीछे बैठो, पीछे भाई 5-6 दिन और आ जाएंगे। पीछे बैठेंगे भाई, अपने को इधर ही जाना है, इधर ही जाना है। तो 100 मीटर के अंदर एक्चुअली फोटो शूट वगैरह। सो हम निकल चुके हैं भरूच के लिए, भरूच शूट करने जाना है हमें। तो दीप्ति फोई जो है उनको लेने मेरा था, तो उनके लेने आए हैं। ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट है, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 5:30-6 बज जाएंगे हमको पहुँचते हुए। मेन है कि लाइट होनी चाहिए, जब हम वहाँ पहुँचे तब लाइट होनी चाहिए। क्या बात है, क्या क्या बोल रहा, नहीं बोलूंगा। तुम्हारी गाड़ी मस्त है, चालू हुई पता ही नहीं चल रहा है। नहीं चलता है, ईवी जैसा एकदम है ना हमारी। वो क्या है, करवाया पूरा अंदर गाड़ी 1.5 करोड़ आई गेस, 1.5 करोड़ के आसपास अंदर खर्चा किया है। ओके ये अच्छा लग रहा है वैसे भी। ये अबू धाबी से करवाया है। जैसे अबू धाबी जो फ्लोरिंग कराई है ऑफिस में, वैसे वहीं से कर रही है। तू कितना पानी में, डिक्की के अलावा भी सामान होता गाड़ी में हर दुनिया। अगले ही दिन देखो गाड़ी आते ही पहले दिन चलान फट चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वो भी 100-200 का नहीं, डायरेक्ट 2000 का। क्योंकि यहाँ पे है तो भाई, हाँ अभी तो भाई पेट्रोल डालने वाले थे। एक्चुअली मैं हाईवे पे है और इतने लोग खड़े ना, इतने पुलिस वाले खड़े कि कोई कसाब फिर से लौट के आ रहा हो ऐसा लग रहा है। मतलब 40 के ऊपर स्पीड थी, इसलिए 2000 डायरेक्ट। और हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो हम फटाफट करके फटाफट निकल रहे। लाइट जा रही है, सूर्य देखो। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। वाह वाह वाह, क्या बात है, पहले दिन 2000, पहले दिन मुहूर्त निकल गया, पहले दिन 2000। वाह धीरे नहीं चल सकता, बस 2000 दिए देने। 20-1000 का तो पड़वा था, एक हफ्ता ज्यादा ना। फुल मूड में है पुलिस वाले। लास्ट नाइट राइड विद डीजे, डीजे लालू। सो हमारा शूट खत्म हो चुका है, भरूच से हम निकल चुके हैं। लेकिन सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने, सुबह से यहाँ पे खाली ध्रुव ने ही सुबह से खाना खाया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं खाया। ध्रुव ने तो बहुत प्रेशर लेके खाना खा लिया था। मतलब कैसा प्रेशर, बहुत प्रेशर, घर का प्रेशर। आयुष ने भी खाया ही होगा, लेकिन वो झूठ झूठ बोल रहा है। नहीं खाया भाई, तो मैं सर जो खाया वो ही खाया, कुछ नहीं खाया भाई, खाली पानी पूरी खाई, वो भी 4। अभी खाते रास्ते में, फिर घर पे जाते।